हम लोगों ने पहले भी कहा, बिहार में जो विकास का एक कालखंड आया वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के गठबंधन के बाद ही आया जब सरकार बनी। राजनीति में गलतियां होती हैं, अगर नीतीश जी को अपने गलतियों का एहसास हो रहा है और वो पुनः भाजपा के साथ आना चाहते हैं, विकासवादी राजनीति को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। हम लोग तो विकास की ही बात करते हैं, राष्ट्र का विकास हो, हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो जिसका भी साथ मिले सबका स्वागत है। सपा और कांग्रेस का अलायंस, कांग्रेस सपा का भी गठबंधन नहीं होगा। 11 सीटों पे कुछ बात ऐसी बन रही है, मैं बहुत अस्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भी गठबंधन नहीं होगा। ये आपस में लाठी चलाएंगे और एक दूसरे को गाली देते हुए चुनाव में नजर आएंगे। क्या लगता है इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश इधर उधर कहीं भी जाते हैं तो क्या लगता है इंडिया? पहले दिन से ये गठबंधन नहीं था, आपने गौर से देखा होगा तो ये जो गठबंधन बना रहे थे एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार था, मानसिकता कैसी थी। तो किसी भी काम में जब पवित्रता न हो, मन में खोट हो, तो गठबंधन कहाँ, हर कदम कदम पर गांठ है। तो जहाँ हर कदम कदम पे गांठ है वहाँ गठबंधन होने का कोई सवाल ही नहीं है। और सर, कल बीजेपी के एक नेता कहें कि नीतीश कुमार जो बिन पेंदी के लोटा है उनको जहाँ फायदा मिल रहा है। अब उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पार्टी ऐसे विचार नहीं रहे। तो क्या लगता है यूपी के 80 सीटों का सपना अखिलेश यादव का क्या? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर का संकल्प है, 80 की 80 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश का हम लोग पूज्य मोदी जी को देने वाले हैं। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्या लगता है इस बार बीजेपी के लिए कामयाब हो पाएगी? 75% सीटें पश्चिम बंगाल में हम जीतने जा रहे हैं, पिछले बार के परिणाम में सुधार होने जा रहा है। हम पिछले बार के परिणाम की पुनरावृत्ति ही नहीं करेंगे बल्कि कई सीटें ज़्यादा जीत कर आने वाले हैं। बहुत